लास्ट क्लास में वो कैसे बताऊं, मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने, तुमने क्लास अटेंड किया था कि नहीं किया था? सर मतलब सिर्फ वो क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए थे ना, प्रैक्टिस ही करवाए थे ना? हाँ हाँ क्वेश्चन ही किए थे। ठीक ओके है। सर, आज भी वही करने थे ना, डिजिट्स हाँ का। हाँ तो वो क्वेश्चन अधूरा रह गया था, मतलब बहुत सारे सब पार्ट्स थे, तो उसमें कुछ सब पार्ट्स ये थे, कुछ सब पार्ट्स रह गए थे हमारे। ठीक है, तो चलो उसको कर लेते हैं अपन। फाइन। सो लेट अस 7 डिजिट नंबर, उस समय भी वही था, लेट अस 7 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड फाइंड नंबर ऑफ दीज नंबर्स। इसमें अब पहला पार्ट लिख लो कि नंबर इज इवन एंड रेपिटेशन इज अलाउड। जो हमारा नंबर है वो तो क्या है, इवन है, और रेपिटेशन अलाउड है। सर वही कंटिन्यू है क्या उस क्वेश्चन हाँ का? वही कंटिन्यू है, तो मतलब मैं एक तरीके से फ्रेश क्वेश्चन से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। वहां सर पे भी ये वो 7 डिजिट। नेक्स्ट केस है क्या उसकी? हाँ उसकी नेक्स्ट केस है, वहां पे भी 7 डिजिट नंबर देखे थे, यहाँ पे भी 7 डिजिट नंबर ही देख रहे हैं। सर चार केसेस हो गए थे ना। चार केसेस हो गए थे, तो चलो इसको फिफ्थ केस लिख लेते हैं। ये फिफ्थ केस है, नंबर इज इवन एंड द रेपिटेशन इज अलाउड। आने वालों का एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम कब है ऑर्किड वालों का? सर परसों परसों? सर आपकी आवाज लैग हो रही है। नो सर, आ रही है सर। अरे एक बार तुम जो है थोड़ा अपने वॉइस का कनेक्शन चेक कर लो, बाकी लोग को तो आ रही है ठीक से। सर इसमें दो केसेस बनेंगे ना। यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है, तो सोचो तो क्या हो सकता है। अच्छा सर फिर सर 45 × 10⁵। ₹45 × 10⁵। यस सर। यस चलो देखा जाए, सर। लेट्स डू दिस। तो 7 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रेंट कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो क्यों, यहाँ पे कौन सा वाला कंस्ट्रेंट होता है कि जीरो नहीं हो सकता, और यहाँ पे कौन सा वाला कंस्ट्रेंट होता कि नंबर को एक इवन नंबर होना है, मतलब यहाँ पे 2 4 6 8 या जीरो में से कुछ होगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में रेपिटेशन अलाउड हो वो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। वो उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो चलो पहले जैसे मान लो इस प्लेस को भरा मैंने, इस प्लेस को कितने वे से भर सकते थे? 5। 5 वे से, 5 तरीके से। अच्छा
पहले ये कंस्ट्रेंट भर दिया, अब दूसरा कंस्ट्रेंट भरूंगा। इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते थे? नाइन वेज से, क्योंकि अब तो रेपिटेशन अलाउड है अभी, तो बस यहाँ पे बस जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा तो बाकी सब कुछ हो सकता है। अच्छा, इसको कितने तरीके से भर सकते थे? टेन इसको टेन, बाकी सब टेन, इसको टेन, इसको टेन, इसको टेन। तो हमारा नंबर ऑफ वेज जो होता वो क्या होता, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 45 इंटू 10 रेस टू 5 आ जाएगा। सर नॉट अलाउड होता तो रिपीटेशन, वो हमारा सिक्स पार्ट है। नंबर इज इवन एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड के लिए मतलब एक और वर्ड भी यूज किया जाता है कि एंड ऑल डिजिट्स शुड बी डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये वर्ड इज सेम एज रेपिटेशन नॉट अलाउड, ये वाला सेंटेंस इज सेम एज रेपिटेशन नॉट अलाउड। नंबर इज इवन एंड ऑल डिजिट्स शुड बी व्हाट, डिस्टिंक्ट। आने वालों के एग्जाम का टाइमिंग क्या रहता है? मॉर्निंग में ना, तो टेस्ट तो जो है तुम्हारा 3 to 6 है, तो इश्यू नहीं होना चाहिए। सर ओके, चलो। सर कल एक कॉर्ड वाला किया था ना, सेम वैसा ही है। सेम आएगा उसको से। अच्छा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो दो कंस्ट्रेंट पोजीशन होती है, एक ये वाली कंस्ट्रेंट पोजीशन होती है, एक ये वाली कंस्ट्रेंट पोजीशन होती है। अच्छा, इसको हम लोग कितने तरीके से भर सकते थे? 5 तरीके से भर सकते थे। अच्छा बताओ, इसको कितने तरीके से भर सकते थे, इस पोजीशन को, फर्स्ट पोजीशन को? 8। सर हम केस लेंगे ना कि जब उधर ऑड भरा या इवन भरा? नहीं, मतलब अगर पहले फर्स्ट प्लेस को भरते तो वो भरेंगे तो केस लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर तुम जीरो भर देते, एग्जैक्टली जीरो भरते, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 9 ऑप्शंस रहते। लेकिन यहाँ पे तुम जीरो के अलावा और कोई इवन नंबर भरते, फिर 2, 4, 6, 8 भरते से, तब फिर यहाँ पे तुम्हारे पास 8 ऑप्शंस रहते हैं। जैसे मान लो 2 भर दिया, तो अब यहाँ पे 2 भी नहीं भर सकोगे और 0 भी नहीं भर सकोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक पोजीशन भरने पे दूसरे पोजीशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हमारे को। एक पोजीशन भरने पे दूसरे पोजीशन पे क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। सर पर उधर इवन भर, ऑड भरा तो हम लोग को तो नंबर ही इवेंट बनाना है ना, तो ऑड क्यों भरेंगे हम यहाँ पे? सर फर्स्ट प्लेस पे नहीं, फर्स्ट प्लेस पे ऑड तो 8 नहीं रहेंगे ना। तो फर्स्ट प्लेस पे तो तुम कुछ भी भर सकते हो ना, फर्स्ट प्लेस पे बस जीरो नहीं चाहिए ना। हाँ, फर्स्ट प्लेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़े होते हैं, फर्स्ट प्लेस पे तो आप कुछ भी भर सकते हो।
तो हम लोग ने दो केसेस ले लिए, 4, 5, 6, 7 और दूसरे केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो पहले केस में क्या किया, यहां पे एग्जैक्टली 0 भर दिया, मतलब एक तरीके से इसको कितने तरीके से भरा, एक ही वे से भरा। अब इस पोजीशन को मैं कितने तरीके से भर सकूंगा बताओ, अगर मैंने यहां पे एग्जैक्टली 0 भर दिया तो इस पोजीशन को मैं कितने तरीके से भर सकूंगा? नाइन। यस, 9 वे से भर सकूंगा, 0 के अलावा बाकी सब कुछ। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर भरा गया होता, 3 भरा गया होता, तो 3 और 0 ऑलरेडी यूज हो चुके थे, तो इस पोजीशन को भरने के लिए 8, इस पोजीशन को भरने के लिए 7, इस पोजीशन को भरने के लिए 6, इस पोजीशन को भरने के लिए 5, इस पोजीशन को भरने के लिए 4। ये समझ में आया? यस सर। स्टूडेंट सर, लेकिन केसेस लिए क्यों हमने? केसेस इसलिए लिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता तो उन 5 में तुम कौन सा भर रहे हो, कौन सा एग्जैक्ट डिजिट भर रहे हो, उस पे ये वाली चीज डिपेंड कर गई होती, अलग अलग वेज आ रहे होते। अगर उन 5 में अगर तुम यहाँ पे 0 भरते तो यहाँ पे तुम्हारे पास 9 ऑप्शंस आ रहे होते, लेकिन अगर तुम इनमें से कोई एक भरते, 2 भरते से, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 8 ऑप्शंस आ रहे होते। ठीक है? यस। सारे बच्चे बताओ जल्दी से, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, मतलब उस लास्ट प्लेस पे सिर्फ एक ही नंबर डाला, इसलिए वो 1 है क्या उधर? हाँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज लिखते हैं, इन विच वी कैन फिल। अब केस 2 में क्या लिखा, केस 2 में मतलब 0 नहीं भरे, नॉट इन द लास्ट प्लेस, मतलब केस 2 में 2, 4, 6, 8 में से कोई है, इसको भरने के कितने तरीके हुए, 4 तरीके। अच्छा, इसको भरने के कितने तरीके होंगे बताओ जल्दी से? 8 होंगे। वेरी गुड, इसको भरने के 8 हो गए। सर बताओ, मुझे इधर ही डाउट आ रहा है अभी, 8 क्या देख के हमने बताया वापस? 8 ये देख के, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 भरा है, ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या क्या नहीं भर सकते हो, न 2 भर सकते हो, न 0 भर सकते हो। 2 क्यों नहीं भरा सर? और वहाँ पे ऑड नंबर भरा होता तो? कहाँ पे? यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट नहीं, हम लोग पहले ये वाली पोजीशन भर रहे हैं, हम लोग को पहले नंबर को इवन क्रिएट करना है ना। हाँ, तो हम लोग पहले ये वाली पोजीशन भर रहे हैं जो हमारे नंबर को इवन बनाएगी, ओवरऑल नंबर को, उसके बाद मैं फर्स्ट डिजिट पे आऊंगा। मतलब तुम समझो कि इसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इवेंट क्रिएट करने की, ठीक है? तो इसका स्पेशल ध्यान रखना, स्पेशल प्रेफरेंस मिलनी चाहिए इसको, और क्योंकि इसको स्पेशल प्रेफरेंस मिल रही है, मतलब जिसको स्पेशल प्रेफरेंस मिलती है उसको पहले भरा जाता है, ठीक? यस सर। ओके, फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी होगी इस पोजीशन पे? 8, क्योंकि ये और ये वाला यूज हो गया भाई, 8। यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। पक्का आया सबको समझ में? सर पर पता कैसे चला कि 0 से लेना पड़ेगा केस? वो कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई कोई नंबर भरते तो
तो उससे यहाँ पे भरने की अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आने लगे तो फिर वहां पे हम लोग को केसेस लेने पड़ते हैं। ओके ठीक है, यस समझे बात सब लोग। सो अब हमारा जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, टोटल क्या होगा, केस वन से जो आया प्लस केस टू से जो आया वो टोटल हो जाएगा। क्लियर है सर? आप फर्स्ट केस एक बार वापस समझा सकते प्लीज? देखो फर्स्ट केस में हम लोग ने क्या किया, एग्जैक्टली जीरो भरा है यहाँ पे, एग्जैक्टली जीरो कि लास्ट पोजीशन पे जीरो है। तो एक तरीके से इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके थे, एक ही तरीका था, वो कौन सा तरीका था, जीरो ही क्यों भरा, क्योंकि जीरो के कारण ही पॉसिबिलिटीज चेंज हो जा रही है। अगर मैं जीरो भरता यहाँ पे तो फिर यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज आती, और अगर मैं जीरो के अलावा 2, 4, 6, 8 भरता तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी आ रही थी। अच्छा हाँ, इसलिए एक बार जीरो भर दिया और एक बार 2, 4, 6, 8 में से कोई एक भरा। हेलो समझा सर, थैंक सर। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन दिखाइए। चलो तो देखा, एक बार जल्दी से कमेंट करो सब लोग कि सबको समझ में आया। जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलो सो अच्छा, अब ये फिफ्थ पार्ट हो गया, नहीं सिक्स्थ पार्ट हुआ। सेवेंथ पार्ट है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4 एंड रेपिटेशन इज अलाउड। Number should be divisible by 4 and repetition is allowed. फिर तो 3 constraint लग जाएंगे सर। सोचो number divisible, test of divisibility of 4 के respect में सोचना है तुमको। वही कर रहा हूँ सर। हाँ वही 7 डिजिट नंबर है, सब सारे 7 डिजिट नंबर वाले हैं। हाँ
फिर इसमें लास्ट के दो प्लेसेस को सिंगल कंसीडर कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या होता है कि लास्ट के टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। यस ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 इज लास्ट टू डिजिट्स ऑफ दैट नंबर शुड बी व्हाट डिविजिबल बाय 4। एक दो तीन चार पांच छ सात ठीक है। अब तुमको ऐसे सोचना है कि लास्ट के दो डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, मतलब ये जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो वो लास्ट के दो डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं? 00 04 08 12 ऐसे ही 96 तक हो सकते हैं। समझ में आया इसका? ये लोग कितने हो गए, ये लोग काउंट में कितने हो गए? 25 हो गए। ये लोग काउंट में कितने हो गए? 25 हो गए। रिपीट हो रहे होंगे हाँ सर, पर इसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे यानी? हाँ, तो यहाँ पे तो रेपिटेशन अलाउड है ना। अच्छा, रेपिटेशन अलाउड है क्या? हाँ, इसमें रेपिटेशन अलाउड है। तो इन दो पोजीशंस को भरने का तरीका कितना था? 25 प्लेस। इन दो पोजीशन को भरने का तरीका क्या था? 25 प्लेस। इतनी बात समझ में आई? यस। अच्छा, अब रेपिटेशन अलाउड है तो कोई टेंशन की बात नहीं। तुम यहाँ पे क्या भर रहे हो उससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस हैं? जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं? 9 बस, 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे कितने ऑप्शन है आपके पास? 8 सारे के सारे, 10 सारे के सारे, 10 रिपीटेड। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, और ये दोनों का पेयर 25। हाँ, और ये दोनों का पेयर मिलके 25। तो जो हमारा नंबर ऑफ वेज हो जाएगा दैट विल बी 9 × 10⁴ × 25 व्हिच इज 225 × 10⁴ व्हिच इज 225 × 10⁴। समझ में आई बात? हाँ सर। चलो बढ़िया। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। एथ है नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड रेपिटेशन इज अलाउड। नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। लास्ट पार्ट समझ में आ गया सबको? यस सर। आपने इस जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपने 10 लिया, मतलब लाइक क्योंकि रेपिटेशन अलाउड था। जो हाँ, आपने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आज का उसमें आपने 9 क्यों लिया सर? वो अभी तो रेपिटेशन अलाउड था। 9 तो मैंने पहले पोजीशन पे लिया ना। अच्छा, 10 मैंने एक्चुअली गलत कॉपी गलत किया।
ये क्वेश्चन टफ है कि इजी है? सो टफ है, थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन, थोड़ा टफ है सर। हाँ उसके बहुत केसेस बनेंगे अगर इंडिविजुअल करेंगे तो। नहीं सर। हाँ मतलब बस देखना है कि 4 के कौन से मल्टीपल में सेम डिजिट आ रहे हैं, वो हटा देंगे। अच्छा केसेस नहीं बनेंगे सर, 3 ही आएंगे मतलब 3 पहले। हाँ 3 ही केसेस आएंगे। ओके चलो सो कोई नहीं करते हैं इसको। अब ध्यान से सुनना सब लोग, देखो लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अब देखो लास्ट टू डिजिट्स जो है वो बाय द वे क्या क्या हो सकते हैं, 04 08 12 16 20 और ऐसे 96 तक जा सकते थे। yes, ठीक है। तो सबसे पहली बात बताओ कि इनमें से सारे के सारे डिजिट्स मैं एक्सेप्ट कर सकता था क्या? ये 25 no, सारे के सारे को no, एक्सेप्ट कर सकते थे? तीन रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, दो रिजेक्ट। 4 88 हाँ, मैं उन डिजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था जिनमें यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर सेम हो जाए, है ना? नहीं तो फिर यहीं पे ही रेपिटेशन हो जाएगा, तो आगे की तो बात ही अलग है। समझ में आ रहा है? रेपिटेशन इज नॉट अलाउड है। यस यस। तो कौन कौन से रिजेक्ट होने हैं पहले ये देखो। सब 4488 बस यही दो रिजेक्ट होने हैं क्या? यस सर। जीरो की वजह से 00 भी हो जाएगा लेकिन 3 लोग ना 00 00 भी सर, पर वो हमने लिखा ही नहीं है, वो इसलिए लिखा ही नहीं है इसलिए। अच्छा हां 00 लिखना पड़ेगा। 22 अवेलेबल है टोटल। 22 हां राइट। 22 तो भैया यहां पे आता भी नहीं, तो 22 की तो बात ही नहीं सर। टोटल 22 हां टोटल 22 बचे। अच्छा अब जो टोटल 22 बचे मैं यहाँ पे उसको अगर डायरेक्टली 22 लिख दूं, 3 तो रिजेक्ट हो गए, तो मतलब बचे कितने 25 माइनस 3 मतलब 22। तो अगर मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे ये सोच के बताओ। सर केस बनानी पड़ेगी ना क्योंकि इनमें जीरो आने वाले हैं। चारों के अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हुआ? क्योंकि अगर जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं 12 भरता तो यहाँ पे हमारे पास 7 ऑप्शंस रहते, न 0 भर सकते थे, न 1 भर सकता था, न 2 भर सकता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 04 भरता, अगर मैं यहाँ पे 04 भरता तब मेरे पास सर 8 ऑप्शंस आते, 8 ऑप्शंस होते। तो पंगा कहाँ पे आ रहा है? पंगा यहाँ पे आ रहा है कि जो ये दो डिजिट्स है उनमें से कहीं कोई जीरो तो नहीं है, वहां पे पंगा आ रहा है। सर ऐसे 5 होंगे। तो अब दो केसेस हो गए, समझ में आया? दो केसेस। पहले केस में क्या है कि लास्ट टू डिजिट्स में जीरो हो, वो कौन कौन सा हो सकता है? 04 04 08 20 40 80 60 80 एक दो तीन चार पांच छ, और कोई सोच लो सर लास्ट। अच्छा दोनों में से कोई एक में भी जीरो हुआ तो उधर प्रॉब्लम आएगा। हाँ अगला केस क्या बना? 1 2 3 4 5 6 अगला केस रिमेनिंग 16। अगला केस क्या बना? रिमेनिंग 16। ठीक है
इतनी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब ये जो केस है ये तो 6 तरीके से भरा गया, यहाँ पे एक जीरो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको भरने कितने तरीके होते हैं? 8 तरीके। जैसे कोई भर दो 0, 4 भर दोगे ना, तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 0 नहीं ले सकता और 4 नहीं ले सकता, तो 8। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर भरा गया यहाँ पे और यहाँ पे, तो 3 भरा गए 7, 6, 5, 4 ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे जो है रिमेनिंग 16, इसको 16 तरीके से भरा। जैसे मान लो 24 उसमें से एक नंबर है भर दिया, तो यहाँ पे क्या क्या नहीं भर सकता? ना मैं 2 भर सकता हूँ, ना 4 भर सकता हूँ, ना 0 भर सकता हूँ, मतलब 7 तरीके। अब देखो 3 डिजिट्स भरा गए 1, 2, 3 तो 7 बचे हैं अवेलेबल है 7, 6, 5, 4 आई बात समझ में? तो टोटल क्या हो गया? टोटल हो जाएगा केस वन प्लस केस टू। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? केस वन प्लस केस टू। ठीक है सर, एक डाउट है, अगर आप बोल रहे कि रेपिटेशन डिजिट अलाउ नहीं, उसका मतलब ये है कि उसी प्लेस में वो डिजिट वापस नहीं आ सकता ना? नहीं, रेपिटेशन अलाउड का ये मतलब, रेपिटेशन शुड नॉट बी अलाउड, मतलब सारे डिजिट्स अलग अलग होने चाहिए। मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा कोई नंबर होना चाहिए। रेपिटेशन अलाउड का क्या मतलब है सर? कि रेपिटेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, 2, 2, 3, 4, 5 या ऐसे टाइप का नंबर भी हो सकता है या ऐसे टाइप का भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो रेपिटेशन अलाउड में ऐसा नहीं बोला जाता कि रेपिटेशन शुड बी कंपल्सरी, समझे? रेपिटेशन शुड बी कंपल्सरी ऐसा नहीं बोला जाता। ओके सर, गॉट इट। चलो समझ में आया सबको? 90 is not divisible by 4. Rishita, 90 is not divisible by 4. So 90 can't be included. ये कौन सा पार्ट हुआ? ये हमारा 8th पार्ट हुआ। अच्छा 9th पार्ट तुम लिखो, नंबर शुड बी palindrome and repetition is not allowed. Sir, एक तरफ कहते हैं palindrome होने चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं repetition होना चाहिए, तो palindrome बनेगा ही नहीं। Sorry. Number should be palindrome. Palindrome मतलब जैसे किसी का नाम है नमन से, तो आगे से भी वही है और पीछे से भी वही है। अच्छा, ओके। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। मतलब ठीक है, पैलिंड्रोम का मतलब समझ में आ गया सबको? चलो
क्या आंसर आया? सर 9 to the power 4, 8 square into 7. सर 9 into 10 to the power 3. यस सर 9 into 10 to the power 3. यस वो सर रिपीटेशन अलाउड देखा ही नहीं. देखो रेपिटेशन तो अलाउड होना ही चाहिए तभी तो पैलिंड्रोम होगा ना. पैलिंड्रोम है तो रेपिटेशन तो अलाउड होना ही चाहिए. तो यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है. ठीक है. अच्छा यहाँ इस पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते थे? नाइन तरीके से. बस जीरो नहीं हो सकता. अच्छा बताओ इस पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते थे? उसे भी नाइन. एक ही तरीके से. एक ही तरीके से. एक ही. अब जैसे मान लो मैंने कोई नंबर भर दिया, यहाँ पे 5 भर दिया, तो I am bound to fill 5 over here, then only it can become palindrome. फिक्स हो गया ना इसकी पोजीशन. यहाँ पे कुछ भरने पे इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, समझे? तो इसको एक तरीके से भर सकते हैं. इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर. यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ वो क्या लिखता हूँ? वो कोई नंबर एज एन एग्जाम्पल लिखता हूँ. अच्छा इसको कितने तरीके से भर सकते थे? 10 तरीके से. देखो पैलिंड्रोम नंबर है, इसका मतलब रेपिटेशन तो अलाउड होना ही है, तभी तो आगे से और पीछे से सेम हो पाएगा. अच्छा इसको अगर 10 तरीके से भर सकते थे तो इसको कितने तरीके से भर सकते थे? एक ही तरीके से. यहाँ पे कुछ भरा तो ये वाली पोजीशन फिक्स हो गई. इसको 10 तरीके से, इसको एक तरीके से, और फिर ये 10 तरीके से. तो क्या हो जाएगा? 9 into 10 raised to 3 आएगा. 9 into 10 raised to 3. समझ में आई बात? यस सर. यस. चलो ओके. तो ये जो क्वेश्चंस थे दोज वर ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अब हम लोग आते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे. तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है. तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो डेफिनेशन था वो मैंने एकदम पहला क्लास जो था उसमें एक्सप्लेन किया था. कॉम्बिनेशन क्या होता था? इट इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और परम्यूटेशन क्या होता था? It is the arrangement of selected objects. Arrangement of selected objects. ठीक है. Permutation is arrangement of selected objects. So कहीं भी word arrangement use हो रहा हो then it is permutation. और कहीं भी word selection use हो रहा हो then it is combination. ठीक है. ऑर्डर किस में मैटर करता है? परम्यूटेशन में कि कॉम्बिनेशन में? परम्यूटेशन. परम्यूटेशन नहीं, परम्यूटेशन में. परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है. कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. ठीक है. कॉम्बिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? बस कॉम्बिनेशन में ये इंपॉर्टेंट है जो हमारी टीम है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स है. परम्यूटेशन में क्या है कि टीम में कौन कौन से प्लेयर्स हैं और उनमें से कौन पहले नंबर पे बैटिंग कर रहा है, कौन सेकंड नंबर पे बैटिंग कर रहा है, कौन थर्ड नंबर पे बैटिंग कर रहा है, ये भी है. समझे? सो परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर्स एंड कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर.
अब देखो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब एन ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेरे हाथ में एन ऑब्जेक्ट्स हैं समझ लो, तो उनको अरेंज करना है एक रो में से, मेरे को अरेंज करना है या से चेयर्स पे बैठाना है, मेरे पास एन चेयर्स हैं और एन ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं और उनको बैठाना है, तो पहले चेयर पहले पर्सन के पास कितने ऑप्शंस होंगे, एन ऑप्शन होंगे, एन ऑप्शंस, ठीक है, दूसरे के पास कितने ऑप्शन होंगे, एन माइनस वन, एन माइनस वन, तीसरे के पास एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री और आखिरी पर्सन के पास कितना ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी व्हाट, इन सबको अगर तुम मल्टीप्लाई करो वन इंटू टू इंटू थ्री टिल एंड तक, तो ये क्या बन जाएगा, एन फैक्टोरियल, दिस विल बिकम एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे ए बी सी तीन आदमी है और इनको अरेंज करना है, इन तीन आदमी को अरेंज करना है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तीन आदमी है तो उनको अरेंज करेंगे कितने तरीके से, थ्री फैक्टोरियल से, सिक्स, और थ्री फैक्टोरियल क्या होता है, सिक्स होता है, तो देखो वो क्या क्या होता, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, ये छह अरेंजमेंट्स हो गए। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो वो कितने वेज से अरेंज होंगे, n फैक्टोरियल वेज से, अगर तुम्हारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं और उन सारों को अरेंज करना है। सर ये अभी परम्यूटेशन है ना, हाँ अभी परम्यूटेशन है, जहां पे भी अरेंजमेंट वर्ड यूज हो इट मींस परम्यूटेशन। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स है और उनमें सारे के सारे को अरेंज करना है तो वो क्या होगा, n फैक्टोरियल वेज से होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग n ऑब्जेक्ट्स, सॉरी सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन सी आर, ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट, पी आर ना, अच्छा सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग लिखा है मैंने, सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग, अच्छा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एन जो है ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, अगर n में कुछ सिमिलर और कुछ डिफरेंट हो जाएंगे तो वो हम लोग अभी थोड़े देर बाद पढ़ेंगे, थोड़े दिन बाद। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज n सी आर। जैसे मान लो कि मेरे पास फोर प्लेयर्स का स्क्वाड था, तो वो जो फोर प्लेयर्स है वो किसका काम कर रहा है, एन, एन का काम N. कर रहा है, एन का काम कर रहा है, और मेरे को थ्री प्लेयर वाली टीम बनानी है, कभी भी टीम क्रिएशन में बस ये मैटर करता है कि कौन कौन से प्लेयर्स है हमारे टीम में, ये मैटर नहीं करता कि वो प्लेयर कौन से ऑर्डर में है, ठीक है,
तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसी नंबर ऑफ टीम्स फॉर्म्ड विल बी व्हाट, 4C3। और 4C3 कितना होता है बाय द वे, 4 होता है। फोर सी थ्री क्या होता है, 4 होता है। अच्छा वो मैं 4 क्या क्या है होंगे मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो स्क्वाड जो है ABCD प्लेयर्स का है, वो जो 4 प्लेयर्स होने होंगे ना, जो टीम 1 होगी, एक ABC वाली टीम होगी, जो दूसरी टीम होगी वो ABD वाली टीम होगी, जो तीसरी टीम होगी वो क्या होगी, ACD वाली टीम होगी, और जो चौथी टीम होगी दैट विल बी BCD वाली टीम होगी। इसके अलावा तुम और कोई टीम सोच सकते हो क्या, बताओ? नो सर, बस टीम की बात कर रहे हम लोग। टीम में प्लेयर्स का ऑर्डर मैटर करता है क्या? नो सर, नहीं। बस टीम में क्या मैटर करता है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक है? तो ये 4 टीम हो गई। अच्छा अब होता क्या वैसे, अगर हम लोग को ऐसे बोला जाता कि नंबर ऑफ बैटिंग ऑर्डर ऑफ टीम ऑफ 3 प्लेयर्स which can be formed from a squad of 4 players, from a squad of what, 4 players। तो मेरी line of thinking क्या होती, पहले मैं क्या करता, जैसे तुम ही सोचो, एक squad है, 4 player का squad है, और मेरे को 3 प्लेयर्स वाली टीम के बैटिंग ऑर्डर अलग अलग अरेंज करना है। तो पहले मैं ऐसे सोचता कि पहले भाई मैं टीम सेलेक्ट कर लूं, कि पहले एक बार टीम तो सेलेक्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग उनको अरेंज करेंगे। तो पहला काम क्या करता मैं, सेलेक्शन ऑफ 3 प्लेयर्स फ्रॉम 4 प्लेयर्स, from a squad of 4 players, and फिर उसके बाद क्या करते, arrangement of these 3 selected players, arrangement of these 3 selected players। तो जो part मैंने black में लिखा है क्या उसको हम लोग ऐसे interpret कर सकते हैं pink वाले में जो लिखा है? Yes, sir. तो अब सिलेक्शन कैसे होता है, 4 प्लेयर के स्क्वाड में से 3 प्लेयर्स का सिलेक्शन कैसे होता, 4C3। अच्छा एंड लगने का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन। फिर अरेंजमेंट ऑफ 3 प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स को अरेंज कैसे करते हैं, 3 factorial, ठीक है? So 4C3 into 3 factorial, so 4C3 into 3 factorial क्या आता, 4C3 तो 4 होता, और 3 factorial क्या होता? 3 factorial क्यों आया? 3 factorial मतलब arrangement of these 3 players। अभी एक पहला point लिखाया था ना कि number of ways of arranging an objects is n factorial, so number of ways of arranging 3 objects या 3 players that will be 3 factorial, समझे? So 4 into 6 is equal to 24। So अब देखो ये 4C3 क्या है, 4C3 जो है वो है सर।
नंबर ऑफ, हेलो आवाज आ रही है? आ रहा है सर आवाज। फोर सी थ्री क्या हो गया? फोर सी थ्री नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एक तरीके से हो गया, और थ्री फैक्टोरियल क्या हो गया? पॉसिबल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। हम लोग ने कितने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया वैसे ये बताओ? तीन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, इसलिए 4c3 into 3 factorial। और वो तुम देख सकते हो 24 क्यों आया होगा, वो तुम देख सकते हो। जैसे से टीम वन, चार टीम थी हमारे पास, ए बी सी, टीम टू ए बी डी, टीम थ्री बी सी डी, और टीम फोर ए सी डी। तो जैसे अगर मैं टीम वन की ही बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट टीम वन, तो टीम वन में अरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकते थे वो देखो। पहले ए बी सी हो गया, ए पहले बैटिंग किया, बी सेकंड, सी थर्ड, ए सी बी, समझ में आ रहा है, बी सी ए, बी ए सी, सी बी ए, सी ए बी। तो टीम वन के कारण 6 अरेंजमेंट्स हुए, ऐसे ही टीम टू के कारण भी 6 अरेंजमेंट्स होते हैं, टीम थ्री के कारण भी 6 अरेंजमेंट्स होते हैं, और टीम फोर के कारण भी 6 अरेंजमेंट्स होते हैं। तो ये सारे अरेंजमेंट्स मिलके क्या हो जाते हैं? 6 + 6 + 6 + 6, मतलब 24 हो जाते हैं। और यहां पे क्या आया? 24 आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आया इतना? हेलो, यस यस सर, जल्दी से कमेंट करो इतना क्लियर है जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ा। जल्दी जल्दी करो कमेंट। लोग के क्लास में 7 कमेंट्स आए हैं सर। वो सेकंड पॉइंट दिखा दीजिए सर। कौन सा सेकंड पॉइंट? ये नहीं सर, ऊपर। हाँ हो गया सर। देखो भाई, ये सब चीज समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आगे का पीएनसी बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा तुमको। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं थ्योरी पे इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, तुम लोग को, कि आखिर जो नंबर आता है एनसीआर या जो भी होता है वो क्या होता है, एक्चुअली क्या दे रहा है, वो सब बता रहा हूँ। हाँ बोलो। एड कैसा है? हाँ एड कैसा है? क्या हुआ सर? एंड कैसे आएगा? एंड कैसे आएगा? देखो ये आया क्योंकि तुमको तीन प्लेयर्स की टीम को सेलेक्ट भी करना है और उन तीन प्लेयर्स को अरेंज भी करना है, तो दोनों काम करना जरूरी है। टीम सेलेक्शन भी करना जरूरी है और जो सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं उनको अरेंज करना भी जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम ऐसे सोचो कि से सर ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि हर एक टीम के लिए हमें 3 फैक्टोरियल बैटिंग ऑर्डर आएंगे, तो टोटल टीम के लिए एंड का मीनिंग ही वही है। देखो तुम ऐसे सोचो कि जैसे मान लो कि कोई एक रिले रेस होने वाली है ओलंपिक्स में। ठीक है, रिले रेस में जनरली से 4 प्लेयर्स होते हैं,
मान लो चार प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले जैसे मान लो 20 प्लेयर्स का स्क्वाड होता, तो पहले क्या होता, एक जो कोच होता वो एक चार प्लेयर की टीम सेलेक्ट करता, हाँ, फिर उन चार प्लेयर्स को अरेंज कर सकता था कि कौन पहले खड़ा होगा, कौन बाद में खड़ा होगा, कौन थर्ड नंबर पे खड़ा होगा, कौन फोर्थ नंबर पे खड़ा होगा। तो रेस जीतने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, कि चार प्लेयर्स को सेलेक्ट करना और उनको अकॉर्डिंगली अरेंज भी करना। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, जब दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनमें क्या लग जाता है, एंड लग जाता है, दोनों प्रोसेस वन भी करना है और प्रोसेस टू भी करना है। प्रोसेस टू में क्या, प्रोसेस वन में क्या हुआ, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, और प्रोसेस टू में क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ द सिलेक्टेड प्लेयर्स। जैसे ये जो है, ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द सिलेक्टेड प्लेयर्स है, और ये जो था, ये जो चार टीम बनी वो सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स हुई। बाकी सारे बच्चों को समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, वो n फैक्टोरियल तभी होगा ना, मतलब जब n ऑब्जेक्ट n प्लेसेस में असाइन करना। हाँ, हाँ, तो अगर जैसे कि कहीं बोले कि n ऑब्जेक्ट्स को ही मेरे को अरेंज करना है, तो तुमको ऐसे सोचना है कि n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको एक रो में अरेंज करना है, तुमको ऐसे सोचना है। ओके सर, ठीक है। तो अगर कहीं भी बोले कि n ऑब्जेक्ट्स को मेरे को अरेंज करना है, तो हम लोग को ये सोचना है कि n सीट्स अपने आप बनी हुई है और उसको अरेंज करना है, उस पे बैठाना है लोगों को, ठीक। अच्छा, एक टर्म होता है NPR, ठीक है, इसका डेफिनेशन तो तुम देख लो, लेकिन इसको हम लोग जनरली ज्यादा यूज नहीं करेंगे। जो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, वो NCR इंटू R फैक्टोरियल से बनती है। तो NPR का डेफिनेशन बाय द वे क्या होता है, सबसे पहले NPR की मीनिंग क्या होती है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ व्हाट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल होल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। द फॉर्मूला फॉर दिस इज एन फैक्टोरियल होल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर क्या होता था बताओ, एनसीआर होता था एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ये होता था एनसीआर। और NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो, किसी क्वेश्चन को करने के लिए सर, आप रिपीट करो, देखो वो क्वेश्चन के बाद क्या करा है, लैग हो गया। क्वेश्चन के बाद क्या करा है? नो सर, ये फोर प्लेयर्स के बाद, बस ये ग्रीन कलर का लिखा होगा सर, एक डाउट है सर। हाँ सर, वही प्रॉब्लम वापस एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, क्या डाउट है सर? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है इतना? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में यही डिफरेंस होता है ना, जैसे परम्यूटेशन में ऑर्डर भी मैटर करता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सर मतलब रैंडमनेस है कॉम्बिनेशन में? हाँ, तुम ये कह सकते हो कि जैसे मान लो कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि से
क्लासरूम के बाहर से या 10 प्लेयर्स का स्क्वाड है, ठीक है, 10 प्लेयर्स का स्क्वाड है और मेरे को 7 प्लेयर वाली टीम फॉर्म करनी है, मेरे को 7 प्लेयर वाली टीम फॉर्म करनी है। तो अब ऐसी 7 प्लेयर्स की कौन कौन सी अलग टीम बनेगी? तो जब भी टीम बनती है ना, तो उसमें बस क्या मैटर करता है, प्लेयर मैटर करता है, उनकी बैटिंग ऑर्डर मैटर नहीं करती है। ठीक है, उनकी बैटिंग ऑर्डर मैटर नहीं करती है। तो जैसे 10 प्लेयर्स में से 7 प्लेयर की अगर टीम बनानी है, तो उसमें मैं क्या यूज करूंगा, कॉम्बिनेशन यूज करूंगा, या तो ऐसी नंबर ऑफ टीम्स कितनी बनेगी, 10C7 नंबर ऑफ टीम्स बनेंगी। तो ऐसी अलग अलग इतनी टीम्स बन सकती है। लेकिन अगर तुमको 10 प्लेयर्स में से 7 प्लेयर वाला बैटिंग ऑर्डर देखना है, तो अब यहां पे तुमको बैटिंग ऑर्डर हो रहा है तो अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, मतलब कि कौन फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, कौन सेकंड बैटिंग कर रहा है, कौन थर्ड बैटिंग कर रहा है। तो इस चीज को मैं क्या कहूंगा कि यहां पे परम्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, इस चीज को मैं क्या कहूंगा कि यहां पे परम्यूटेशन हो रहा है। तो परम्यूटेशन में ये भी मैटर करता है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, और ये भी मैटर करता है कि कौन प्लेयर किस पोजीशन पे बैटिंग कर रहा है। और कॉम्बिनेशन में बस ये मैटर करता है कि कौन कौन से प्लेयर्स है तुम्हारे टीम में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन एक तरीके से तुमको ये बताती है कि कितनी नंबर ऑफ टीम्स फॉर्म होगी, और परम्यूटेशन ये बताता है कि कितने अलग अलग बैटिंग ऑर्डर्स फॉर्म हो सकते हैं। हाँ, तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मेथड वन, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे अरेंजिंग की बात कर हो रही है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, एन पी आर। ठीक है, ये इसका सिंबॉलिक नोटेशन होता है NPR, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें जो है ना, तुमको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, मतलब तुम बस एक फॉर्मूला याद कर लोगे, लेकिन उतनी ज्यादा फील नहीं आएगी तुमको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब मेथड टू में मैं ऐसे लिखूंगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, तो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सेलेक्ट दोज आर ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होके मेरे हाथ में आ चुके हैं, एंड नाउ अरेंजिंग दोज आर ऑब्जेक्ट्स, दोज आर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा बताओ सेलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो तुम कैसे लिखोगे,
एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल आर एंड मतलब इनटू अरेंजिंग ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स वो क्या लिखोगे आर फैक्टोरियल. अच्छा एनसीआर बाय द वे क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और इधर आर फैक्टोरियल ये वाला है ही तो होता क्या कि आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली वही बचता जो एन पी आर का डेफिनेशन होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. देखो समझ में आया yes. Sir, तो yes. ये बताओ हाँ सर आर ऑब्जेक्ट्स टोटल गिवन है ना मतलब जितने ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं क्या है सर फिर से बताओ ना मेथड टू. मेथड टू में क्या है जैसे मान लो एन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है मतलब एन आर से बड़ा होगा यस एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है हम लोग को तो वो कैसे होता एनसीआर और फिर उन्हीं आर ऑब्जेक्ट्स जो सेलेक्ट हुए हैं उनको हम लोग को अरेंज करना है अरेंजिंग दोज आर ऑब्जेक्ट्स. तो अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है आर फैक्टोरियल. तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया एनसीआर का डेफिनेशन लिख लिया एन फैक्टोरियल होल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और इस आर फैक्टोरियल को नीचे ला दिया यही तो आर फैक्टोरियल कैंसर हो गया तो बचा क्या एन फैक्टोरियल होल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. अच्छा वैसे मैंने एन पी आर का भी डेफिनेशन यही लिखाया था एन फैक्टोरियल होल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखवाया था ठीक है. लेकिन अब बताओ किस मेथड में ज्यादा फील आई तुमको मेथड वन में कि मेथड टू में. मेथड टू ऑफ कोर्स मेथड टू सर. लेकिन मेथड टू का कोई एग्जांपल दो ना रिलेट करने में नहीं हाँ. जैसे आपने चेयर वाला एग्जांपल दिया था देता हूँ. तो अब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल क्वेश्चन में देयर आर वो टीम वाला मेथड टू जैसा ही है ना. हाँ जो अभी टीम वाला किया जो अभी क्या किया टीम वाले क्वेश्चन किए ना उसमें चार स्क्वाड और चार प्लेयर्स थे एक स्क्वाड में. हाँ देयर आर 10 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास and 7 chairs and 7 chairs then find number of ways in which students can be made to sit on the chair. तो जैसे ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है तो जैसे एक क्लास है जिसमें 7 चेयर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और से यहाँ पे क्लास का गेट है और 10 बच्चे खड़े हैं 10 बच्चे बाहर खड़े हैं तो अब 7 चेयर है तो टीचर क्या करता टीचर पहले 10 में से 7 बच्चों को बुलाता अंदर कि 10 में से ज्यादा बच्चों को बुला लेता अंदर जितनी चेयर से उतने ही बच्चों को बुलाएगा तो 10 में से 7 बच्चों को बुलाया मतलब एक टीम सेलेक्ट की तो ऐसी कितनी टीम सेलेक्ट हो सकती थी 10 C 7 ठीक है. ये क्या बताया नंबर ऑफ टीम्स
number of different teams which can enter the class. Number of different teams of students which can enter the class. अब सात बच्चे यहाँ पे आके खड़े हो गए. अब उसके बाद इन सात बच्चों को सात चेयर पे बैठाना है. So arranging these seven students on seven chairs. तो सात ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो इनटू सेवन फैक्टोरियल. समझ में आया? तो ये जो सेवन फैक्टोरियल है वो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेवन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन चेयर. अरेंजमेंट ये पूरे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में बोलते कि 10 ऑब्जेक्ट्स को सात प्लेस में कैसे अरेंज कर सकते हैं. हाँ, इस पूरे क्वेश्चन को बोलते कि 10 ऑब्जेक्ट्स को सात प्लेस में कैसे अरेंज कर सकते हैं. ओके सर, समझ गया. ठीक है, तो 10 ऑब्जेक्ट्स को सात प्लेस में अरेंज करने का ये मतलब नहीं है कि सात चेयर्स पे तुमको 10 लोगों को बैठाना है. सात चेयर्स पे तुमको सात लोगों को ही बैठाना है. तो तुमको क्या करना पड़ेगा? सात लोगों को चूज करना पड़ेगा. सात प्लेयर्स को चूज किया और फिर उसके बाद उन सात प्लेयर्स को जो चूज किया उनको अरेंज किया. समझ में? हेलो सर. हेलो सर. हेलो सर. कोई तो आया था निक गर नाम के नाम से आया था कोई था सर. निक गर को ऑन करना पड़ेगा. चलो क्या था ये? पता नहीं, रैप कर रहा था, नाटक कर रहा था. कोई आ जाते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे बढ़े तो अच्छा नहीं लगता. सर आईपी एड्रेस ट्रैक कर लो सर, पता चल जाएगा कौन सा. इतनी मेहनत नहीं करता मैं. ठीक है. हाँ, सो कहाँ थे? सो वी विल बी यूजिंग व्हाट मेथड टू. वी विल यूज दिस मेथड. ठीक है. सो हमारे किसी भी क्वेश्चन में एमपीआर का जिक्र नहीं होगा. जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो एमपीआर का डायरेक्टली कभी जिक्र नहीं करेंगे. हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या करेंगे? पहले सिलेक्शन करेंगे और उन्हीं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेंगे. ओके सर. ठीक है, तो yes, एक नोट लिखोगे अगर तो टू अरेंज R objects out of n different objects, first we will select those R objects from n objects. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन वाला काम करना. एंड देन वी विल अरेंज दोज आर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स. एंड देन वी विल अरेंज दोज आर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स. ये हमारे लिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये समझ लो. सो ये नोट समझ में आ गया तुम लोग को? एक बार जल्दी से कमेंट कर लो. यस सर. यस सर.
सर एक मिनट लिखना है। आपका माइक ऑफ हो गया। सर आपका माइक ऑफ है। एनसीआर कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन हाँ कंटिन्यूशन है सर। हाँ मतलब पॉइंट टू लिख लो और क्या। ठीक एनसीआर कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन ओनली व्हेन नहीं वो तो ठीक है ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स जो कि एन है आर ऑल डिस्टिंक्ट सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है। ठीक तो जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि फाइंड नंबर ऑफ थ्री अल्फाबेट वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड पहला पार्ट है से जील ठीक है फाइंड द नंबर ऑफ थ्री अल्फाबेट वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड वो वर्ड कौन सा है जील। तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है फोर ऑब्जेक्ट्स तो हम लोग को तीन अल्फाबेट का वर्ड फॉर्म करना है तो मेरे को तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे सो व्हाट हाउ विल आई डू 4C3 इनटू अब तीन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया अब उन्हीं को अरेंज करना है तो इनटू 3 फैक्टोरियल सर क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला ना वो बोला कि बस तीन फाइनल नंबर ऑफ थ्री अल्फाबेट दो हाँ तो कोई भी ऑर्डर में हो क्या फर्क पड़ता हाँ तो मतलब समझा नहीं ना सर मैं पूछ रहा वर्ड बोला ना वर्ड में मैटर करता है वर्ड में तो ऑर्डर मैटर करेगा ना जैसे अगर मैं जेड ई ए लिख लूं या ए ई जेड लिख लूं ये लोग अलग अलग वर्ड होंगे कि दोनों अलग वर्ड्स हैं अलग होंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 4C3 इनटू 3 फैक्टोरियल ये समझ में आया सबको हाँ सर अच्छा सेकंड पार्ट अगर मैं लिखूं physics ठीक है physics लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 सात अवेलेबल है और हम लोग को तीन अल्फाबेट का बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा कॉमन है 7C3 सर कॉमन है वगैरह उसका कुछ नहीं है ना इनटू 3 फैक्टोरियल अब ये लिखना सही है कि गलत है गलत होगा क्योंकि ये रॉन्ग क्यों है
क्योंकि यहाँ पे जो सात ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास उसमें सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं क्या? नहीं सर, उसमें दो एस आ रहे हैं, एस दो बार आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? मेथड टू से नहीं, उन दो लेटर्स को एक अंडरलाइन मानेंगे, वो मैं बताऊंगा इसको कैसे करेंगे, ठीक है? तो दो बार एस भी आ सकता है ना, इसलिए ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ना कि अभी we will discuss later. तो अभी तो S1, S2 करके कर सकते हैं? नहीं सेम ही होगा ना, S2, तो सेम ही ना, ऐसी तो है दोनों, नहीं एक वर्ड में दो बार आ सकते हैं, उसके लिए बोला। देखो सेवन थ्री वो पहला भी आ सकता है। सुनो सुन लो भाई, 733 लिखना ही सबसे बड़ा पाप हो गया। 633 लिखना होगा, क्योंकि एन सी आर तभी लगा सकते हैं जब एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो। अब यहाँ पे क्या ये सातों के सातों डिस्टिंक्ट हैं क्या? नहीं, नो सर, नहीं है। तो 7C3 लिखना ही सबसे बड़ी गलती हो गई, ये तो लिख नहीं सकते 7C3, बिकॉज 7 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, उसमें से कुछ सिमिलर भी आ जा रहे हैं। तो अभी मैं क्या सिखा रहा हूं, अभी मैं ये सिखा रहा हूं तुम लोग को कि कहां कहां गलती हो सकती है तुमसे, उसको अवॉइड करना है। मतलब क्वेश्चन पहचानना भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना, इसको भी करना मैं सिखाऊंगा, इसको भी करना मैं सिखाऊंगा कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है? इज दैट फाइन? इतना क्लियर? यस सर। ओके चलो ठीक है, कल का क्या सीन है? कल नहीं है क्लास, कल कुछ भी नहीं है, कल कुछ भी नहीं है ना, तो कल मैं क्लास लूंगा, ठीक है? एक डेढ़ घंटे का क्लास लूंगा, क्योंकि कुछ पोर्शन पीएनसी का आ रहा है, तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, तो तुम लोग सर कल कितने बजे रखोगे? एक बार मैं अपना टाइम टेबल देख के जो है ग्रुप पे डाल दूं। सर कल कोई प्रैक्टिस सेशन भी है ना एक्स्ट्रा? एज पर टाइम टेबल तो कुछ नहीं है सर, टाइम टेबल में नहीं दिया है, कुछ कुछ स्टूडेंट को दिया है। अच्छा कौन, कितने बजे तक, कितने बजे तक? सर मुझे 7 to 8:30 का टाइम दिया है। 7 to 8:30 का? हाँ सर। किस चीज का है? सर मैथ्स का ही है। मैथ्स का ही है सर, मेरे टाइम टेबल में नहीं है। इनका प्रीवियस कोई होगा सर, पार्ट टेस्ट 5th को है कि 6th को, क्योंकि 5th को हमारे स्कूल का भी एग्जाम है। तो एक काम करना ना तुम लोग, जो जिस आईडी से वो होता है ना टाइम टेबल पोस्ट होता है, गीता मैम को एक बार कॉल कर लेना और उनसे बात कर लेना, तो वो एक बार चेंज करवा देंगी, ठीक है? सर सर जो झील का जो हार्ट टेस्ट है वो 5th को होगा कि 6th को होगा, क्योंकि सैटरडे को शेड्यूल्ड है। ओके ठीक है, तो सर शाम को शेड्यूल्ड है। हाँ शाम को ही होगा वो टेस्ट, क्योंकि स्कूल का भी एग्जाम है उस दिन, फाइनल एग्जाम। हाँ सैटरडे को ही होगा, मतलब शाम को ही होगा। ओके ओके सर, सर प्रैक्टिस सेशन है क्या कल? नहीं है कल, नहीं पता मेरे को यार प्रैक्टिस सेशन का, तो सर कुछ कुछ बच्चों के लिए रखा है। सर होगा तो डाल दीजिए ग्रुप पे। नहीं कल मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, तो जिन बच्चों का प्रैक्टिस सेशन है उनका शायद कितना है, 7 to 8:30 बता रहे हो ना? हाँ सर, खारगर इवनिंग बैच वालों का ये टाइम लिया हुआ है। खारगर इवनिंग बैच, ठीक है, तो और उससे पहले ही मैं रखूंगा। हाँ मैं 3:30 बजे रख लूंगा क्लास अपना।
ओके सर, 4 बजे रखिए ना, 4 बजे रखो। हाँ सर, क्या होगा? चलो ठीक है, 4 बजे रखता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट सर, बाय।